इस वक्त मौजूद हैं हम केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आवास पर, राजधानी पटना में वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर उनको अधिकृत किया गया था बीजेपी से बात करने के लिए, बात नहीं बनी। तमाम मुद्दों को लेकर ललन सिंह ने लगातार बयानबाजियां की, उसके बाद आज आरसीपी सिंह राजधानी पटना पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए हुजूम किस तरीके का यहाँ लगा हुआ है, जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो आप देखिए कि एक लंबी कतार है, लंबी फेरिस्ट है जो लोग ही उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह इससे पहले जो है वो नए साल में नजर आए थे, उसके बाद आज वो पटना पहुँचे हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आरसीपी सिंह के पास जो तमाम जो लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उनको जो जिम्मेवारी मिली थी, देखिए ये आरसीपी सिंह है और आरसीपी सिंह के जो आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। राजधानी पटना में वो पहुंचे हैं और आज जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, वो उनसे लगातार वन टू वन मुलाकात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह आपको बता दें कि बिहार में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये उनकी तीसरा बार दौरा है। एक बार पहली बार जब ललन सिंह आए थे, उसके बाद फिर वो नज़र आए थे, और दूसरी बार जब नया साल था उस वक्त नज़र आए थे, और आज फिर से आरसीपी सिंह राजधानी पटना पहुंचे हैं और उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, जो उनके जाने माने जो नेता हैं वो तमाम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो नज़ारा है उसके हिसाब से यहाँ कहा जाए तो 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुँचे हैं, राजधानी पटना में इस आवास पर हैं। आपको बता दें कि जो इनको जिम्मेवारी मिली थी जब यूपी चुनाव को लेकर अधिकृत किया गया था आरसीपी सिंह को, और आरसीपी सिंह वो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए। आरसीपी सिंह को बीजेपी से बात करने के लिए कहा गया था, उसके बाद जब सीटों का बंटवारा हुआ तो बात नहीं बनी, और उसके बाद खुद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया कि यूपी चुनाव में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद आज उसके बाद पहली बार आरसीपी सिंह राजधानी पटना पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके आवास की है, जहां राजधानी पटना में जो उनको आवास मिला है वहां की तस्वीर है। 1000 से ज़्यादा लोग यहां मौजूद हैं। अब देखना है कि आरसीपी सिंह इस पर क्या कुछ कहते हैं। सवाल हम लेंगे कि आखिरकार बिहार में और यूपी में जिस तरीके से उनको जिम्मेवारी मिली थी वो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, तो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। मनीष फाउंडेशन के साथ, हम